इसमें कह रहा है कि 1634 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा गया कि एक्स को वाई से 25% अधिक और वाई को जेड से 25% कम राशि मिली। तो जेड को जेड मान लें, जेड को जेड राशि मिली, ठीक है। तो वाई को कितनी मिली? जेड का 25% कम, जेड से वाई को कितनी मिली? जेड से 25% कम, मतलब 75%। 25% कम का मतलब 75% होता है ना। 25 तिया 75, 25 चौको 100। जेड इज द होल नंबर थ्री, मतलब सॉरी 3/4 जेड, 3/4 जेड मिल गई वाई को। एक्स को कितनी मिली है? एक्स को वाई से 25% ज्यादा मिली है। वाई का मान तो दिया है 3/4 जेड, वाई को इतना मिला है, और इससे 25% ज्यादा यानी 125/100, 125% मिली है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5/4, यानी 15/16, 15/16 जेड मिली है, ठीक। अब निकाल सकते हैं इसको, इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 1634, ठीक। तो एक्स का मान कितना है? 15/16 एक्स, 16 जेड सॉरी, प्लस 3/4 जेड वाई का मान, प्लस जेड का मान क्या है? केवल जेड, बराबर 1634। एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 16 आ जाएगा एलसीएम, 16 आ जाएगा एलसीएम। तो यह हो गया 15 जेड प्लस 4 चौको 16, 4 तिया 12 जेड प्लस 16 जेड बराबर 1634 गुणे जो एलसीएम आया था 16, उसको उधर भेज दें। अब अगर इसको जोड़ें तो 16 12 28, 28 15 43, 43 जेड बराबर 43 जेड बराबर 1634 गुणे 16, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? इससे काट लें तो ये कट जाएगा 38 बार में कट जाएगा, सॉरी 38 बार में, और 38 का 16 में गुणा कर लें तो आ जाएगा 608। 38 × 16 आ जाएगा 608। और निकालनी है वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ था? 3/4 जेड। वाई की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 3/4 जेड। तो 3/4 × 608, 608, 4 से इसको काट दें तो 4 × 1 = 4, हाँ 2 × 0 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 152 × 3, तो 2 3 = 6, 3 × 5 = 15, और 3 × 1 = 3 और 1 = 4, 456, ठीक है 456, और 456 किसी में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए उत्तर होगा इसका ई, इनमें से कोई नहीं।